सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को खुशखबरी बता दूं कि आप सभी लोगों का एडिट का ऑप्शन जो है आ चुका है। आप सभी लोगों को मेल और मैसेज आ रहे होंगे बोर्ड की तरफ से, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। अगर आपको मैसेज नहीं आए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, नहीं तो लॉगिन करके एक बार चेक कर ले कि क्या मेरा एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एडिट का ऑप्शन नहीं बल्कि आपके जो पहले आपने कॉलेज का प्रिफ्रेंस दिया था वो सब जो है ऑटोमेटिक हट गया है वहाँ से। फिर से आपको नया एक जो है कॉलेज का चुनने का जो है ऑप्शन मिल रहा है। समझ गए मेरी बातों को? तो जिन बच्चों ने नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया आप सभी लोग जाकर कर लें, क्योंकि काफ़ी परेशानी के बाद जो है ये समस्या का हल जो है निकला है। और एक और बात करेंगे हम कि कुछ बच्चों के द्वारा जो है हमारे मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि सर मेरा रैंक इतना है, मैंने 10 कॉलेज चुना है, मैंने 5 कॉलेज चुना है, तो क्या मुझे कॉलेज सरकारी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो देखिए, अगर आपका रैंक बेहतर है और आपको लगता है, मैंने तो आपको बताया है कितने रैंक वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, तो देखिए अगर आपको लगता है कि बेहतर मेरा रैंक है और मुझे जो है फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप जो है 5 या 10 कॉलेज डाल सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है और मेरा जो सोच है वह यह है कि आप सभी लोग 30 का 30 कॉलेज सेलेक्ट करें। समझ गए मेरी बातों को? जिन बच्चों ने ये सवाल पूछा है, 2-3 बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि सर मैंने 10 किया है, मैंने 5 किया है, तो देखिए करना कोई बुरा नहीं है, आपने किया है सही है। लेकिन अगर मान ले किसी कारणवश आपको वो 5 कॉलेज में नहीं मिल पाया सीट, तो क्या होगा? तो इसीलिए जो बच्चे अगर एडिट कर रहे हैं या जो बच्चे अभी नहीं फॉर्म डाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 30 के 30 कॉलेज आप चयन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक ठीक है तो आप 30 कॉलेज गवर्नमेंट डालें। अगर आपको सेकंड में आपको एडिट करने का मौका मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन ये नहीं कि 5 डालें। अगर लगता है कि ठीक ठाक मेरा रैंक है तो डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा अनुसार या मेरे अनुमान यह है कि आप सभी लोग पैसे दे रहे हैं काउंसलिंग का, तो आप लोग 30 का 30 कॉलेज डालें, ताकि आपको बाद में जो है यह अफसोस ना हो कि मैंने यह खाली छोड़ा था। लेकिन मान ले, मेरी बात समझ लीजिएगा, अगर मान ले कि नहीं मिल पाया किसी कारणवश या रैंक नहीं उतना बेहतर हो पाया, तो फिर तो आपको अफसोस होगा कि मैंने 5 ही कॉलेज डाला। इसलिए मैं मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि आप लोग जो है 30 के 30 कॉलेज का चयन करें। समझ गए? जिनका रैंक बेहतर है, जिनका रैंक बेहतर नहीं है, अगर वो काउंसलिंग कर रहे हैं, तो दोनों से अनुरोध है कि आप लोग 30 के 30 काउंसलिंग में मतलब कॉलेज को चयन करें, चाहे वो आप प्राइवेट करें, चाहे वो आप गवर्नमेंट करें। जिनका रैंक बेहतर है वो तो गवर्नमेंट करें, और जिनका रैंक थोड़ा बेहतर नहीं है तो वो मिला जुला कर करें। मतलब कि 15 आप गवर्नमेंट करें, 15 आप प्राइवेट करें, नहीं तो आप 20 गवर्नमेंट करें और आपको 10 प्राइवेट करें, इस तरह से करें। लेकिन 30 का 30 करें। लेकिन बाद में ये मत कीजिएगा सर मैंने 5 किया था, क्या मुझे एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। खुद अपने आप एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। मेरा अनुसार कि आप 30 के 30 करें, और जो बच्चे कर दिए हैं फिर अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो कर ले, नहीं आता है तो छोड़ दे, उसको ऊपर भूल जाना है। लेकिन जो बच्चे आने वाले हैं, जो बच्चे करने वाले हैं फॉर्म को, वो ये गलती नहीं करेंगे, 30 के 30 चयन करेंगे। समझ गए मेरी बातों को? क्योंकि पैसा दे रहे हैं और बाद में आपको अफसोस ना हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 30 का 30 चयन किया। समझ गए मेरी बातों को? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।